Morning dear students, welcome to English class. Students, in the previous video we have learned the chapter Ranji's Wonderful Bat. Today continue the chapter. On his way home he had to pass Mr. Kumar's sports shop. Ranji is a brave boy and curious to cricket, and he play from the team of his school. On his way home, the opposite team won the match and Ranji's team defeated. Ranji go back to home being upset. Then what happens in the way? On his way home he had to pass Mr. Kumar's sports shop. He liked to chat with the owners or look at all the things on the shelves. रास्ते में घर पर जाते समय रास्ते में उसको मिस्टर कुमार के खेल की दुकान का सामान बेचते थे, जो मिस्टर कुमार स्पोर्ट्स शॉप था उसको पार करना होता था. वो उनसे बातें करना पसंद करता था और वहाँ पर रखे सामानों को सेल्फ पर जो सामान रखे थे, जैसे फुटबॉल्स, क्रिकेट बॉल्स, बैडमिंटन रैकेट्स, हॉकी स्टिक्स एंड बॉल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, कई साइज के बॉल्स रखे हुए थे, उन सबको देखता था. मिस्टर कुमार हैड बीन अ स्टेट प्लेयर वंस. मिस्टर कुमार एक बार राज्य स्तर के खिलाड़ी थे एंड हैड स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ मैच अगेंस्ट तंजानिया, और तंजानिया के विरुद्ध उन्होंने एक बार सेंचुरी बनाई थी. बट दिस वॉज वन डे वेन ही डिड नॉट फील लाइक स्टॉपिंग. लेकिन आज वह रुकना पसंद नहीं किया. ही लुक्ड द अदर वे एंड वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड वेन मिस्टर कुमार्स वॉइस स्टॉप्ड हिम. वह दूसरी तरफ देखते हुए चला गया. तभी जैसे ही वह पार करने वाला था, मिस्टर कुमार की आवाज़ ने उसे रोक लिया. हेलो रांझी, वाई आर यू लुकिंग सो सैड? तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? लॉस्ट द गेम टुडे? क्या आज गेम हार गए? राजी फेल्ट बेटर एज सुन एज ही वॉज इन साइड द शॉप. येस वी लॉस्ट द मैच. जैसे वह दुकान के अंदर गया, राजी को अच्छा महसूस हुआ और उसने कहा, हाँ हम मैच हार गए. नेवर माइंड सेड मिस्टर कुमार, वट वुड बी डू विदाउट लूजर्स? कोई बात नहीं, मिस्टर कुमार ने कहा, वट वुड बी डू विदाउट लूजर्स? बिना खोए हुए या बिना हारे हुए, बिना सफलता प्राप्त किए हुए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सभी लोग असफल होते हैं. एनीवे हाउ मेनी रन्स डिड यू मेक? कोई बात नहीं, तुमने कितने रन बनाए? नन, अ बिग राउंड एग. कुछ नहीं, एक बड़ा सा एग. कहने का मतलब कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया. आई हैव नॉट मेड अ गुड स्कोर इन माई लास्ट थ्री मैचेस. मैं अपने अंतिम तीन मैचों में अच्छा स्कोर नहीं बना पा रहा हूँ, सेड रांझी. रांझी ने कहा, आई विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम इफ़ आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम. यदि मैं अगले गेम में कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो मुझे गेम से निकाल दिया जाएगा. वेल वी कैंट हैव दैट हैपनिंग, सेड मिस्टर कुमार. मिस्टर कुमार ने कहा, मैं यह नहीं होने दे सकता. समथिंग विल हैव टू डू डन अबाउट इट. इसके लिए कुछ करना होगा. आई एम जस्ट अनलकी, सेड रांझी. रांझी ने कहा, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ. मे बी हो सकता है, बट इन दैट केस इट्स टाइम योर लक चेंज. लेकिन यह ऐसा समय है, तुम्हें अपने भाग्य को बदलना चाहिए. मिस्टर कुमार बिगेन लुकिंग क्लोजली टू अ नंबर ऑफ ओल्ड क्रिकेट बैट्स. मिस्टर कुमार कहाँ देखने लगे? नंबर ऑफ ओल्ड क्रिकेट बैट्स, कई पुराने क्रिकेट बैट की तरफ देखने लगे. एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही सेड आ, एंड ही पिक्ड अप वन ऑफ द बैट्स. कुछ देर के बाद उन्होंने देखा और कहा, और उसमें से एक बैट निकाल लिया. एंड हेल्ड इट आउट टू रांझी, और इसको रांझी को दे दिया. दिस इज़ इट ही सेड. उन्होंने कहा, यह हुआ है, वही बैट है. मीन्स दिस इज़ द लकीएस्ट ऑफ ऑल माई ओल्ड बैट्स. यह मेरे पुराने बैटों में सबसे लकी बैट है. दिस इज़ द बैट आई मेड अ सेंचुरी विद. यही वो बैट है जिससे मैंने सेंचुरी बनाई थी. आई हेल्ड इट आउट टू रांझी, हियर टेक इट. आई हेल्ड इट आउट टू रांझी. वह रांझी को इसको देने के लिए बाहर निकालते हैं.
टेक इट, उन्होंने कहा इसे लो, आई विल लेंड इट टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट सीजन, मैं तुम्हें अगले क्रिकेट सीजन तक इसको उधार देता हूँ, यू वुडंट फेल विद इट, तुम इससे फेल नहीं होगे। रांझी टुक द बैट एंड गेज्ड एट इट विद आ एंड डिलाइट, आ मीन्स वंडर सरप्राइज्ड, गेज्ड मीन्स घूरना ध्यान से देखना। राजी ने बैट को लिया और उसको बहुत ही खुशी और अद्भुत तरीके से उसको देखा। इज इट रियली द बैट यू मेड अ सेंचुरी विद, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या यह वास्तव में वही बैट है जिससे आपने सेंचुरी बनाई थी। इट इज़, सेड मिस्टर कुमार, हाँ यह वही है, इट मे गेट यू 100 runs टू, यह तुम्हें भी सेंचुरी बनाने में मदद करेगा। रांझी स्पेंट अ नर्वस वीक वेटिंग फॉर सैटरडेज मैच, रांझी शनिवार के मैच का इंतजार करते हुए बहुत ही दुखी में अपना वह सप्ताह बिताया। ही आस्क्ड कोकी द गर्ल नेक्स्ट डोर टू बॉल टू हिम इन द गार्डन, अगले दरवाजे पर खड़ी एक लड़की कोकी से उसने कहा, गार्डन में बॉलिंग करने के लिए कहा। कोकी बॉल क्वाइट वेल, कोकी ने अच्छे बॉल फेंके। एट लास्ट सैटरडे अराइव्ड ब्राइट एंड सनी, अंत में शनिवार आ गया एकदम सुनहरा दिन। जस्ट राइट फॉर क्रिकेट, जो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा दिन था। सूरज ओन द टॉस फॉर द स्कूल एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, सूरज इज़ द कैप्टन ऑफ रांझी टीम। सूरज ने टॉस जीत लिया और पहले उसे बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। द ओपनिंग बैटमैन पुट ऑन 30 runs विदाउट बीइंग सेपरेटेड, द ओपनिंग बैटमैन, पहले ही बैटमैन ने पुट 130 runs विदाउट बीइंग सेपरेटेड, 30 run बना लिए बिना अलग हुए, यानी बिना हारे 30 run बना लिए। द विजिटिंग फास्ट बॉलर्स कुडंट डू मच, आए हुए फास्ट बॉलर की टीम ने, यानी जो विजिटिंग टीम आई हुई टीम थी, बाहर से आई हुई थी, उसके जो फास्ट बॉलर थे वो कुछ नहीं कर सके। देन द स्पिन बॉलर्स केम ऑन, तब स्पिन मीन्स बच्चों क्रिकेट मैच में एक स्पिनर होते हैं जो गेंद को घुमाकर नचाकर फेंकते हैं। देन द स्पिन बॉलर केम ऑन, तब स्पिनर बॉलर आए एंड इमीडिएटली देयर वॉज अ चेंज इन द गेम, और तुरंत ही गेम में अचानक बदलाव हो गया। 2 wickets fell in 1 over, एक ओवर में 2 wickets गिर गए एंड द स्कोर वॉज 33-2, और रन कितना बना, 33 run, 2 wickets में केवल 33 run बने। सूरज मेड अ फ्यू क्विक रन्स, सूरज ने जल्दी जल्दी कई रन बनाए। देन ही टू वॉज आउट टू वन ऑफ द स्पिनर्स, तब वह भी एक स्पिनर से आउट हो गया। स्पिनर मीन्स जो नचाकर बॉल फेंकने वाले बॉलर थे, उनको स्पिनर कहा जा रहा है। कार्ट बिहाइंड द विकेट एंड इट वॉज रांझी टर्न, अब रांझी का टर्न था। ही वॉक स्लोली टू द विकेट, वह धीरे धीरे विकेट के तरफ गया। द बॉलर टुक अ शॉर्ट रन एंड देन द बॉल वॉज ट्विंगलिंग टुवर्ड्स रांझी, ट्विंगलिंग मीन्स ट्विस्टिंग, मुड़ते हुए। द बॉलर टुक अ शॉर्ट रन, बॉलर ने एक शॉर्ट रन लिया एंड देन द बॉल वॉज ट्विलिंग टुवर्ड्स रांझी, और बॉल घूमते हुए मुड़ते हुए रांझी की तरफ आई। एंड देन अ थ्रिल रन थ्रू रांझीज आर्म एज ही फेल्ड द बॉल मीट द बैट, थ्रिल मीन्स अ फीलिंग लाइक अ स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक कास्ट बाय द फोर्स ऑफ बैट हिटिंग द फोर्स ऑफ द बॉल हिटिंग द बैट, मतलब बॉल से जो बैट में धक्का लगा उससे उसको शॉक जैसा महसूस हुआ। एंड देन अ थ्रिल रन थ्रू रांझीज आर्म एज ही फेल्ड द बॉल मीट द बैट, तभी उसे एक शॉक सा लगा और उसने महसूस किया कि बॉल बैट में आकर लगी। क्रैक द बॉल हिट फर्मली विद द मिडिल ऑफ रांझीज बैट, तभी बॉल रांझी के बैट के बीचों बीच आकर लग गई। स्ट्रीक फास्ट द हेल्पलेस बॉलर एंड स्पेड टुवर्ड्स द बाउंड्री, स्ट्रीक मतलब मूव वेरी फास्ट, स्ट्रीक फास्ट द हेल्पलेस बॉलर, बॉलर हेल्पलेस था, असहाय था और बहुत तेज़ी से दौड़ा। एंड स्पेड टुवर्ड्स द बाउंड्री, बॉल बहुत तेज़ी से भागती हुई बाउंड्री के उस पार चली गई। 4 runs,
चौका लग गया, चार रन बन गए. एंड दैट वॉज ओनली द बिगनिंग, अभी तो यह शुरुआत थी. नाउ रांझी बिगेन टू प्ले ऑल द स्ट्रोक्स ही न्यू, अब रांझी जितने भी वह तरीके जानता था खेलना शुरू कर दिया. ही सेंड द फील्डर्स स्कैम्परिंग टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड. स्कैम्परिंग मीन्स रनिंग क्विकली एज इफ इन अ बिग हरी, तेजी से दौड़ते हुए जैसे बहुत जल्दबाजी में हो. स्कैम्परिंग ही सेंड द फील्डर्स स्कैम्परिंग टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड, वह फील्ड के चारों कॉर्नर में फील्डर्स को तेजी से भगाने लगा. 20 minutes आफ्टर लंच व्हेन सूरज क्लोज्ड द इनिंग्स, रांझी वॉज नॉट आउट. 20 minutes आफ्टर लंच, लंच के 20 मिनट बाद जब रांझी ने अपनी इनिंग्स क्लोज की, सूरज ने अपनी इनिंग्स क्लोज की, रांझी वॉज नॉट आउट विथ 58 एंड रांझी इज स्कूल ऑन द मैच. तब रांझी 58 यानी 58 रन बनाकर भी आउट नहीं हुआ था. रांझी स्कूल ऑन द मैच, रांझी के स्कूल ने मैच जीत लिया. बच्चों आप लोग इतना ही लर्न करेंगे, इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा. थैंक यू बच्चों.